इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एनर्जी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन होता है मतलब सेल्स के अंदर अंदर होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस जिसके अंदर जो फूड मिलता है फूड पहले तो ब्रेक डाउन हो जाता है इन टू ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इज ग्लूकोज फूड पहले इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है हमारी बॉडी में अब सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन गैस हेल्प करती है इन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर एंड ए एटीपी ए टीपी इज दर्जी करेंसी ऑफ सेल एटीपी इज दी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल सेल एंड बॉडी फंक्शनिंग के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है एटीपी रिक्वायर्ड होता है देवपोर सेलुलर रेस्पिरेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड था ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन गैस था रिक्वायर्ड जो कि है कॉम्पोनेंट ऑफ एयर एटमोसफेयर का जो कॉम्पोनेंट है एटमोस्फेयर इज दी लेयर ऑफ एयर लेयर ऑफ एयर अराउंड अर्थ एयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं एयर के कंपोनेंट्स होते हैं नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर्गन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस इन स्मॉल अमाउंट्स। यहाँ पर जो एयर का जो की एटमोस्फेयर के है इसका जो कॉम्पोनेंट यहाँ पर यूज होता है इन सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा आंसर है ऑक्सीजन द गैस इन फॉर रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा है आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर